नमस्कार दोस्तों, रेल एक्सप्रेस चैनल में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन जानकारी में आज जिस ट्रेन के बारे में बात करेंगे वो है अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि गोरखपुर जंक्शन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच हफ्ते में एक दिन चलती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे गोरखपुर जंक्शन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से हर मंगलवार को सुबह के 8:30 पर रवाना होती है और अगले दिन सुबह 12:20 पर यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुँचती है। गोरखपुर जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक इस ट्रेन की जो टोटल दूरी है वो है 1693 किलोमीटर की, और इस दूरी को तय करने के लिए इस ट्रेन को वक्त लगती है 27 घंटे और 50 मिनट की, और इस ट्रेन के 12 हॉल्ट्स हैं। एवरेज स्पीड की बात करें तो इस ट्रेन की इस रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन इसको ऑपरेट करती है और ये हफ्ते में एक दिन चलती है, वीकली ट्रेन है ये। आगे बात करेंगे गोरखपुर जंक्शन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन के कोचेस के बारे में, तो इस ट्रेन में सिर्फ सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल क्लास के कोचेस अवेलेबल हैं, जिसको आप रिजर्वेशन के साथ यात्रा कर सकते हैं। और सेकंड सीटिंग का इस ट्रेन में गोरखपुर जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जो इस ट्रेन की किराया है वो है 410 रुपये। दोस्तों, मैंने आपको अभी जो टिकट के प्राइसेस बताए हैं वो सभी सही और अपडेटेड किराए हैं। आप फिर भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे बुकिंग काउंटर या रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेक कर लें। दोस्तों, आगे बात करेंगे अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टॉपेजेस है। दोस्तों, गोरखपुर जंक्शन से ये ट्रेन हर मंगलवार को सुबह 8:30 पर रवाना होती है और 1693 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पहुंचती है। गोरखपुर जंक्शन से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज है खलीलाबाद, सुबह के 9:08 पर पहुंचती है और 9:10 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। बस्ती स्टेशन ये ट्रेन पहुँचती है सुबह के 9:36 पर और 9:39 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद अंत्योदय एक्सप्रेस गोंडा जंक्शन पहुंचती है सुबह के 11:00 और 11:05 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। लखनऊ चारबाग स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर के 1:25 पर और 1:35 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंचती है दोपहर के 3:05 पर और 3:10 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। ओराई स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है शाम के 4:40 पर और 4:42 पर यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। 448 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है अपने शोर स्टेशन से। इसके बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है शाम के 6:45 पे और 6:53 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का स्टॉपेजेस है। भोपाल जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात के 10:57 पे और रात के 11:05 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का स्टॉपेजेस है। 854 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है गोरखपुर जंक्शन से। इटारसी जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात के 12:40 पे और रात के 12:45 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। भूसवल जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह के 5:00 और 5:05 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। इगतपुरी स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह के 9:00 और 9:03 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज कल्याण जंक्शन पहुंचती है सुबह के 10:57 पे और 11:00 यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेज है।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर के 12:20 पे और 1693 किलोमीटर की दूरी जो है इसे तय कर चुकी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।